शुरुआत करते हैं सॉइल के साथ। 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, इट माइट बी 3 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, लेकिन इतना याद रखिए क्वेश्चन आना तय है 100% सॉइल से, मैं आपका क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। भाई क्विक रिविज़न एक लेते हैं, वन शॉट में पूरा सॉइल ख़त्म कर डालते हैं जल्द से जल्द। देखिए एलुवियल सॉइल भाई, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई सॉइल है तो बता दूँ आपको, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई सॉइल है तो वो क्या है, आपकी एलुवियल सॉइल है। ऑलमोस्ट 43% सॉइल इंडिया में अगर कोई सी है तो एलुवियल सॉइल। और सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल अगर कोई है, याद रखिए सबसे ज़्यादा फर्टाइल अगर कोई सॉइल है तो एलुवियल सॉइल है। और कहाँ देखने को मिलेगी भैया, ये आपको देखने को मिलेगी मेड ऑफ द रिवर डिपॉजिट। भाई रिवर के किनारे, स्पेशली गंगा वाले रीजन में आप चले जाइए, इंडस वाले रीजन, ब्रह्मपुत्र वाले रीजन में चले जाइए, अच्छी खासी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपको कोई सॉइल देखने को मिलने वाली एलुवियल सॉइल। और नॉर्थ में भी सबसे ज़्यादा सॉइल अगर आपको कोई मिलेगी तो एलुवियल सॉइल मिलेगी। भाई याद रखिए इसके अंदर किस कौन कौन सी चीज़ होती है, भाई इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्रिस्टल, सिलिका और एलुमिनियम, तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। सी एस एस याद रखिए, क्रिस्टल सिलिका एल्युमिनियम, और अदरवाइज यू मे ऑल्सो राइट, ठीक है ना, कि आप सैंड सिल्ट और क्ले, इन तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। भाई दो चीज़ों में याद रखिए एलुवियल सॉइल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक होता है भांगर एक होता है खादर। याद रखिए कैसे, इसमें एक चीज़ आप याद रखिए कि भांगर को क्या कहा जाता है, भांगर को कहा जाता है ओल्ड एलुवियल। याद रखिए कैसे बता दूँ भाई, सपोज मैं बात करूं कहाँ की, अपनी भांगर सॉइल की बात करें और मैं लिख देता हूं यहां पे खादर सॉइल की बात करें, तो जस्ट समझिए भांग खादर जो है वो न्यू एलुवियल सॉइल आपकी है और भांगर जो है आपकी ओल्ड एलुवियल सॉइल आपकी होती है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, याद रखना है भाई। ओके सी नाउ ऑब्वियसली कहाँ देखने को मिलेगी, अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लिख के आओगे ये आपको देखने को मिल रहा है नर्दर्न प्लेन्स में। याद रखिए गंगा रिवर कहाँ पे ऊपर ही है, गंगा हुआ, नर्मदा हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ, इंडस हुआ, यहाँ पे आपको अच्छे खासे एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। और इवन डेल्टिक रीजन में भी आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। और कौन कौन सी क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट होता है भाई, वीट। आप देखिए नॉर्दर्न स्टेट की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, शुगर केन हुआ, वीट हुआ, राइस हुआ, बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि एलुवियल सॉइल के लिए सबसे अच्छा यही होता है। शुरुआत करते हैं ब्लैक सॉइल के साथ, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें भाई आने लायक चीज़ इसके अंदर ये है कि ये जो रेगुलर सॉइल लिखा हुआ है सबसे इम्पोर्टेंट है। 1 मार्क का क्वेश्चन है कि विच सॉइल इज ऑल्सो नोन एज द रेगुलर सॉइल, योर आंसर शुड बी ब्लैक सॉइल। रेगुलर और किस चीज़ के लिए, याद रखिए ब्लैक को रेगुलर कहा जाता है और सबसे अच्छा अगर कोई है कॉटन के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक सॉइल है। सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र के अंदर, किस चीज़ से बनी हुई है, लावा बनी हुई है। एक बार इसमें बता दूं, अगर आ जाए कोई क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन है कि बेसाल्ट रॉक से कौन से सॉइल बने हुए हैं, द आंसर इज ब्लैक सॉइल। इसी और सबसे ज़्यादा अगर होल्डिंग मॉइस्चर्स, अगर पानी को अगर पकड़ के कोई रखता है, मॉइस्चर्स को अगर कोई होल्ड करके रखता है तो वो ब्लैक सॉइल है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में देखने मिलेगी, फॉलोड बाय गुजरात एंड मध्य प्रदेश ऑल्सो, ठीक है। और याद रखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉटन कल्टीवेशन के लिए, और रेगुलर सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी 5-7 फीचर्स को या कोई भी 3-4 फीचर्स को याद कर लीजिए, यू विल गेट मार्क्स। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट, तुरंत चलते हैं रेड येलो लेटराइट की बात करते हैं। ये बड़े क्वेश्चन नहीं आने लाइक क्वेश्चन, ये ज़्यादा बड़े तरीके से नहीं पूछे जाते, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो होता है वो एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल ही होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं को रिपीट किया जाता है। चलिए बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल की भाई। अब देखो आपको एक तो मैं बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन, रेड सॉइल रेड क्यों है। भाई रेड सॉइल रेड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कंटेंट है आपका आयरन, भूलना मत, आयरन कंटेंट इसके अंदर है। और दूसरा आप इसको ये भी लिख सकते हो क्योंकि इसके अंदर क्या है, सॉरी एक सेकेंड, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर है फेरिक ऑक्साइड। रेड सॉइल रेड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर फेरिक ऑक्साइड है एज वेल इसके अंदर आयरन कंटेंट है। आप एक चीज़ कोई भी लिख के आ सकते हो, लेकिन जैसे ही रेड सॉइल को पानी मिलता है ना भाई, जैसे इसके ऊपर पानी आप डालोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, येलो में कन्वर्ट हो जाएगी। इजनियस रॉक का मिला हुआ बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा, जी मैं आपको दूसरे कलर से, चलिए ये कहाँ आपको देखने को, सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न घाट और मेघालय। मतलब ज़रा देखिए ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न घाट, मेघालय, इनमें आपको अच्छे खासा क्वांटिटी देखने को मिलेगा। और जहाँ याद करिए ओडिशा छत्तीसगढ़ ये वही जगह है यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में क्या निकाला जाता है भैया, आयरन निकाला जाता है। सो बात करते हैं लेटराइट सॉइल, इसके अंदर लो ह्यूमस होता है, और लेकिन देखिए इसमें एग्रीकल्चर पॉसिबल जाता है। अब इसको एक
बड़ा डिटेल में देखिए। बेसिकली आपको लेटराइट सॉइल वहाँ देखने को मिलेगा जिस जगह पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो। फर्स्ट होता तो लेटराइट सॉइल आपको वहाँ देखने को मिलेगा यहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, और वहाँ पे याद रखिए टेम्परेचर भी हाई होता है। याद रखिए लेटराइट सॉइल वहाँ देखने को मिलेगा यहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो, वहीं पे आपको देखने को मिलेगा लेटराइट सॉइल। और याद रखिए जब किसी सॉइल पे बहुत ज़्यादा पानी बरसता है तो उसके जो मिनरल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं बारिश के कारण। फिर उसमें क्या बचने लगता है, सिर्फ आपको स्टोन्स जैसे छोटे छोटे कंकड़ आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए उसी सॉइल को क्या कहा जाता है, लेटराइट सॉइल कहा जाता है। और ज़रा ध्यान से देखिए कि कहाँ कहाँ इंडिया में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है और पानी भी बहुत ज़्यादा बरसता है। तो सिंपल से लोजिक आप लगाओगे तो केरला साउथ में टेम्परेचर बहुत है, पानी भी बहुत बरसता है, कर्नाटक उड़ीसा तमिलनाडु यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अच्छा खासा देखने को मिलेगा लेटराइट सॉइल। लेकिन यहाँ पे हम मैन्यूअल्स ऑफ फर्टिलाइजर का यूज़ करके प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट एरिड सॉइल, कलर की बात करें रेड से ब्राउन कलर में आपको देखने को मिलेगा, सैंडी और सेलाइन आपको यहाँ इसके अंदर देखने को मिलेगा, ह्यूमस कम और मॉइस्चर भी कम रहेगा। एरिड मतलब याद रखिए भी आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में। सिंपल सा भाई फॉरेस्ट सॉइल देखिए कहाँ देखने को मिलेगा, भाई फॉरेस्ट सॉइल ऑब्वियसली आपको फॉरेस्ट एरिया में देखने को, फॉरेस्ट मतलब जनरली हिली एरियाज़ में, माउंटेन एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली हम इंडिया की बात करें तो हमारा हिली एरिया, माउंटेन एरिया, हिमालय रीजन है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा हैव लो ह्यूमस, इनके अंदर ह्यूमस कम होती है। एग्जाम परस्पेक्टिव से फॉरेस्ट सॉइल, एरिड सॉइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एलुवियल ब्लैक सॉइल फॉलोड बाय रेड येलो लैटराइट सॉइल।